आज मैं जो डिजाइन बनाऊंगी वो बहुत ही आसान है और इसे हम किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी कार्डिगन, किसी चीज़ में भी हम डाल सकते हैं इसे। ये देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसमें मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदे प्लस कर लिए हैं। देखिए मैंने 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे का थोड़ा सा बॉर्डर बनाया और सीधी साइड मेरी साइड है। अब हम फर्स्ट रो डालेंगे। फर्स्ट फंदा मैंने स्लिप कर लिए। और जो 2 सीधे फंदे हैं इसको हम आगे वाले फंदे को, जो सीधा फंदा है इसको राइट साइड करेंगे और दूसरे फंदे को लेफ्ट साइड जो फंदे चेंज करने हैं। पहले हम सीधा फंदा जी बना लेंगे आगे का और फिर इस फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। और फिर पीछे से उल्टे फंदे में सिलाई डाल के, सेकंड फंदे में सिलाई डाल के इसको हम ऐसे सिलाई में निकाल के, उल्टे वाला फंदा उसको हम आगे ले आएंगे और सीधे वाला फंदा पीछे चला गया। हम इसको अब सीधे बुन लेंगे इन दोनों को अलग अलग। देखिए आगे फिर ऐसे ही ये दोनों फंदों को बाएं दाएं करने। फंदों को आप देख, जैसे ये वाले 2 फंदे आप फिर ऐसे ही चेंज करने हैं। इस फंदे को आप ऐसे थोड़ा लूज करके ऐसे भी बना सकते हैं। पहले इसको ऐसे सीधा बना लिया और फिर जो आगे का फंदा था उसको हम ऐसे पीछे से उठाएंगे और फिर इसी को भी हम सीधा बना लेंगे। ऐसे अब ये वाला फंदा जो पीछे हमारा पीछे चले जाएगा आगे से सीधे वाला फंदा, और जो आगे का उल्टा फंदा है वो पीछे से आगे आ जाएगा पिछली तरफ से। इसको हम ऐसे पीछे से बना लेंगे। और इसको एक फंदा आगे से, ये बनने में सेम ही बनेंगे। और सेकंड फंदे को हमने पीछे से बुनने।
फिर दोनों फंदों को सिलाई से उतार देना है। देखिए अब जो सीधा फंदा हमारा बाईं तरफ जाएगा इसको हम आगे से लेना है इधर, इसलिए जो आगे का उल्टा फंदा है पीछे वाला उसको हम पीछे से बनाएंगे। और सीधा फंदा दिख रहा था जो उसे हम आगे से ऐसे बुन लेंगे। और जो हमारा फंदा है ये रह गया है यहाँ, इसे हम सीधा बुन लेंगे। हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड में जो फंदे उल्टे हैं वो हम उल्टे बनाने हैं, जो सीधे हैं वो उसे हम सीधे बनाने हैं। देखिए आगे के दो फंदे उल्टे हैं, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा उधर करके दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। दो फंदे उल्टे ये हमारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है हमने, दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे। देखिए हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये हमारी तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से, ये पूरी सीधी बनानी है, ये पूरे कुंडे सीधे ही बुने जाएंगे। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई उल्टी तरफ से। इसमें हमने दो फंदे पहले उल्टे बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाई थी जो सेकंड रो। दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। और लास्ट के दो फंदे उल्टे ही बनेंगे। अब हमारी आ गई पांचवी सिलाई। ये छह सिलाई का डिजाइन है। अब पूरी सिलाई जो हम हमारी पांचवी सीधी ही डालनी है हमने, पूरे फंदे सीधे बुने जाएंगे। और जो छठी सिलाई है वो पूरी उल्टी ही बनानी है। अब एक सीधी
और एक उल्टी सिलाई बनेगी। देखिए मैंने वो दो सिलाई मैंने डाल लिए, एक सीधी और एक उल्टी। अब जो हमारी छह सिलाई कंप्लीट हो गई है, जो हमारा पैटर्न ऐसे बनता जाएगा। अब इसके फंदे चेंज करने हैं, हम पैटर्न जो चेंज होएगा। देखिए जो जे वाला धागा है ना, सीधा आगे का फंदा सीधा इधर जाएगा बाई तरफ, और जो आगे का जो उससे आगे वाला सेकंड फंदा वो पीछे की तरफ से आगे आ जाएगा। इसलिए हम जो पीछे वाले को पहले बुनेंगे। ऐसे जो दो फंदे सीधे हैं, एक फंदे को छोड़ के अगले जो दो फंदे सीधे हैं, इसमें से जो फर्स्ट फंदा है सीधे वाला वो हमने आगे लेके आना है, और इस फंदे को पीछे की तरफ से पीछे लेके जाना है। इसको हम पहले बना लेंगे आगे से। और फिर सेकंड फंदे को हम पीछे से बना लेंगे। जो पूरे फंदे ऐसे ही चेंज करने हैं। अब जैसे पीछे से पहले बनाने, फिर इसको आगे से बना लेना है। अब जो लास्ट के दो फंदे हैं, इनमें से आगे का फंदा हम आगे से बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हमने फर्स्ट सिलाई डाली थी, वैसे हमने ये बनाई है। और जैसे हमने सेकंड सिलाई बनाई थी उल्टी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। पहले फंदा मैंने स्लिप कर लिया, आप चाहे इसे बुन भी सकते हैं, और ये सीधा फंदा बनेगा। और फिर आगे का फंदा भी सीधा, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। जो पूरी सिलाई हमने ऐसे ही डालनी है, ऐसे ही हमने जो सेकंड रो डाली थी ये वैसे ही बनेगी। पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है, दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, दो फंदे सीधे।
लास्ट के दो फंदे ये सीधे ही बनेंगे। हमारा जो डिजाइन है ऐसे ही बनता जाएगा। ये थोड़ा इसमें नज़र कम आता है, बनने के बाद फिर जी दिखने लगेगा। देखिए ऐसे आती है इसकी लुक। ऐसे दिखता है और पीछे से ये ऐसे दिखता है। आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।